हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गिरीश नायक है। मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से नारहाट विलेज में रहता हूँ। आप सभी को यदि ये जो हम विधियाँ बता रहे हैं अच्छी तरीके से समझ में आए, और अगर आप चाहते हैं कि अगली जो भी हम जिस भी चैप्टर की वीडियो बनाएं आपके पास अपने आप आ जाए, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। चलिए देखिए, हम आज चलते हैं चौथे अध्याय पर। क्या है चौथा अध्याय? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। इसमें देखिए क्या है, दो घात वाला समीकरण। सीधी सी बात है, दो घात वाला समीकरण, द्विघात समीकरण। जब समीकरण इस टाइप में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तब वह हमारा होगा द्विघात समीकरण। और पिछली अभ्यासों की तरह यहाँ पर भी हमें हिंदी में और शाब्दिक प्रश्न दिए रहेंगे, उनको हमें गणितीय निरूपण करना पड़ेगा पहले, और फिर बाद में उनको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करते हुए हल करेंगे। तो इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न दिए रहेंगे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई या जौन जीवंत एक कुटीर उद्योग की, अन्य प्रकार के सभी प्रकार के शाब्दिक प्रश्न दिए रहेंगे, उन्हें हमें गणितीय निरूपण करना पड़ेगा, फिर बाद में हम उसे द्विघात समीकरण से बदलते हुए हल करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की पहले प्रश्न में जो रहेगा 4.1 पहली अभ्यास, उसमें हमें ज़्यादातर जांच करनी पड़ेगी। जैसे ये समीकरण दिए हैं इस टाइप में, तो हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इनको हल करने पर, अधिक से अधिक हल करने पर, इतना हल करने पर कि उसके बाद फिर कुछ हल ना हो, अधिकतम हल करने पर यदि हमारा समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस रूप में आ रहा है। देखिए समीकरण हमारा दिया गया था, ये समीकरण दिया गया था, लेकिन इसको हल करने पर हमारा यदि इस टाइप में आ रहा है, तब तो हमारे दिए गए समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये देखिए x प्लस 12 बराबर जीरो, ये देखिए इस टाइप में नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए तो हमें चलिए अभ्यास पर चलते हैं। इस अभ्यास में सिर्फ और सिर्फ हमें चेक करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये वाले जो समीकरण दिए गए हैं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमें सिर्फ चेक करना है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2 × x-3। अब देखिए इसे हल करेंगे हम, किस प्रकार से होगा, 2 का गुणा हो जाएगा अंदर, इसका स्क्वायर खुल जाएगा, 2x-2 × 3 = 6। यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर 1 प्लस 2x, 2ab के अनुसार। चलिए देखिए अब यहाँ पे और हल करेंगे, 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यदि ये प्लस में है साइड, तो ये माइनस में आएगा तो कट जाएगा, और यदि इस वाले को ले जाएंगे तो कट जाएगा। अब बचेगा हमारा सिर्फ माइनस का 6 एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे सॉल्व किया, यहाँ प्लस के 1 है, यहाँ माइनस के 6 है, माइनस के 6 इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब देखिए क्या ये हमारा समीकरण है या नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है या नहीं है? हाँ, द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन ये बनता है कहाँ से द्विघात समीकरण है? ये तो ax² + bx + c के रूप में है नहीं है। देखिए ये समीकरण दिया गया, समीकरण ax² + bx + c के रूप में तो है नहीं है, फिर किस प्रकार से हमारा ये समीकरण द्विघात समीकरण हो गया? देखिए जैसे ये है द्विघात समीकरण का मुख्य रूप, ax² + bx + c = 0। तो मान लो अन्य कोई समीकरण है 4x² + 3x + 1 = 0। तो देखिए c की जगह पर कितना है 1, b की जगह पर कितना है 3, a की जगह पर कितना है 4। तो ये तो पूर्ण रूप से द्विघात समीकरण हो गया। अब मान लो ऐसा लिखा होता यही समीकरण, कैसा, 4x² + 1, तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? हाँ ये द्विघात समीकरण है,
क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 4x² प्लस 0 गुणा x और प्लस 1। देखिए b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। b की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। बाकी देखिए ax² bx, ये हमारा bx हो गया, प्लस c हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ b बराबर क्या है, 0 है। सेम टू सेम पहले को यहाँ देखिए x² के गुणा में कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा और c की जगह पे 7। चलिए हम प्रारूप रूप लिखते हैं इसका। देखिए इस प्रकार से हमने इसे द्विघात समीकरण कहा था कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए x² + 7, देखिए हमारा क्या लिखा, x² में 1 का गुणा होगा 1, तो यहाँ a की जगह पर कितना है 1, b की जगह पर कितना है 0, c की जगह पर कितना है 7 बराबर 0। तो इसलिए यहाँ यह एक द्विघात समीकरण है। पहले हमने इन दोनों समीकरणों को कक्षों को हल किया, हल करने के बाद हमारा अंतिम हल ये आया। तो इस प्रकार से हमने इसकी तुलना की ax² + bx + c = 0 से। तो इन तुलना करने पर हमें पता चला कि b वाला हमारा पद नहीं है, जहाँ पर b का वैल्यू कितनी है, 0 रहेगी। तो इस हिसाब से ये हमारा द्विघात समीकरण है और हम कह देंगे हाँ ये दिया गया समीकरण ही द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x = -2 3 - x, इसे हम हल करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं हल करने पर क्या आंसर। प्लस के x हैं जो इस साइड आ जाएंगे माइनस में, तो -2x और माइनस का x हो जाएंगे -3x। x² - 3x + 6 = 0। तो देखिए ये तुलना करने पर देखिए ax² यहाँ पर प्लस bx, हाँ प्लस के bx प्लस c, इससे तुलना की तो देखिए b का मान कितना है -3, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 6। तो हाँ दिया गया समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य एक बिल्कुल ज़रूरी बात है कि जो b का मान है, पिछले प्रश्न में b का मान तो 0 हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, लेकिन जो a का मान है, देखिए जो x² के साथ में गुणा है वो a का मान 0 नहीं होगा। यदि a का मान 0 होगा, a का मान 0 होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला जो समीकरण है उसमें x² - 3x + 6 लिखा है, जो उसमें x² का पद ही ना हो और सिर्फ इतना हो -3x + 6 = 0, ये हो, तो क्या इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि आप कहेंगे कि सर आपने पिछले सवाल में बताया था कि b = 0 मान लिया था, क्योंकि b वाला पद नहीं था तो b को हमने 0 मान लिया था। ऐसे जो x² के गुणा में रहता है वो जो a, उसे भी हम 0 मान लेंगे और इसे हम कह देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शर्त है कि द्विघात समीकरण में a का मान 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए द्विघात समीकरण मतलब दो घात वाला समीकरण, सीधी सी बात है, द्विघात समीकरण मतलब दो घात वाला समीकरण। तो जब दो घात होंगे ही नहीं समीकरण में, समीकरण सिर्फ आप इतना दे दें और फिर हम इसे किस आधार पर द्विघात समीकरण बता देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पद दो घात वाला है ही नहीं। तो सीधी सी बात है a का मान 0 नहीं होगा, बाकी मान 0 हो सकते हैं। देखिए b और c तो मान 0 हो सकते हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समीकरण में तो हमारा पूरा ही क्या, इससे तुलना की तो सभी अपनी जगह ठीक है, इसमें हमें कुछ ज़रूरत नहीं, हमने ये आगे के लिए समझा दिया है आपको। चलिए देखते हैं अगला। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा हल करना है। हम अब ये करेंगे कि थोड़ी बहुत हल कर लिया करेंगे, क्योंकि यदि वीडियो में ही हल करेंगे तो क्वेश्चन देखिए हमारे कितने बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत हम हल कर लिया करेंगे, हल करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही गुणा भाग पक्षांतर प्लस माइनस जोड़ घटाना ये सब है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, प्रश्नावली 4.1 का पहले का तीसरा क्या है, x - 2 × x + 1 = x - 1 और x + 3। अब इसे हल करने पर, इस समीकरण को हल करने पर क्या होगा,
देखिए इसे हल किया, पहले किया x का गुणा, फिर किया 1 का गुणा, ऐसे ही इसमें पहले x का गुणा फिर 3 का गुणा। देखिए x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक का गुणा करेंगे वही सेम टू सेम x माइनस टू एक्स माइनस टू। देखिए इसमें x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर करेंगे 3 का गुणा, 3x माइनस 3 आ जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे चिन्ह है, यदि ये प्लस का इस साइड जाएगा तो ये माइनस से कट जाएगा, यदि ये इस साइड प्लस से इस साइड माइनस में जाएगा तो कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए माइनस टू एक्स और एक्स क्या बचेंगे, माइनस के एक्स, माइनस के टू, इस साइड देखिए थ्री एक्स में से एक एक्स गया कितना बचा, प्लस के टू एक्स और माइनस थ्री, प्लस के टू एक्स इस साइड काय में आ जाएंगे माइनस में। देखिए एक्स माइनस टू तो पहले से था और यहाँ प्लस के टू एक्स यहाँ माइनस में आ गए, तो माइनस के टू एक्स माइनस के एक्स माइनस टू, प्लस के थ्री माइनस के थ्री थे इस साइड काय में आ गए, प्लस के थ्री आ गए, ठीक है। माइनस टू एक्स माइनस एक्स कितने हो गए, माइनस के थ्री एक्स हो गए, और थ्री में से टू गए तो कितने बचे, प्लस के वन बचे। अब या तो हमारा ये और अधिक हल करना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब हमें चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए यहाँ हमारा b का मान कितना है, थ्री, c का मान कितना है, वन, और a का मान कितना है, जीरो। तो देखिए हमारी यही शर्त द्विघात समीकरण की यही वाली शर्त फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि द्विघात समीकरण होने की सबसे पहली शर्त क्या है कि a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बता दिया था a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात का मतलब क्या है, दो की घात, और इस समीकरण में कहीं पर भी दो की घात नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम लिख देंगे नहीं, क्या द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमने इसे हल कर लिया, क्योंकि a का मान यहाँ जीरो आ रहा है, जबकि द्विघात समीकरण होने का मतलब क्या है कि a का मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। देख लीजिए इस प्रश्न को, चलिए देखिए अब हम प्रश्नावली 4.1 का चौथा सवाल देखते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार से सभी सवाल क्या करेंगे हम जल्दी जल्दी हल किए दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो में अगर लाइव हम सवाल करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, सवाल हमें यहाँ तक करना है, कुछ कठिनाई नहीं है, सिर्फ हमें इनको हल करके चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यदि हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं है, लिख देना है, बस इतना सा करना है। हमारे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए का मान जीरो नहीं हो सकता है, और बाकी किसी का भी मान जीरो हो जाए तो भी वह द्विघात समीकरण होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसमें यदि बी का मान जीरो है तो भी वह द्विघात समीकरण है, तीन में से किसी एक का मान जीरो है तो भी वह द्विघात समीकरण है, लेकिन यदि ए का मान जीरो है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, जैसे मान लो ये है हमारा मूल समीकरण क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारा। अब देखिए जैसे हमारा समीकरण है 5x प्लस 6 बराबर जीरो, इस प्रकार से समीकरण है, तो क्या भाई ये हमारा द्विघात समीकरण है, पहली बात तो इस पूरे समीकरण में कहीं पर दो की घात नहीं है, तो ये द्विघात तो वैसे ही नहीं होगा। दूसरा देखिए हमारा यहाँ हमने यदि मान लिया कि जीरो गुणे एक्स स्क्वायर, तो a का मान कितना आ रहा है, a बराबर कितना आ रहा है, जीरो, और यदि और द्विघात समीकरण होने की सबसे पहली शर्त क्या है कि a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ यदि हमारा समीकरण ऐसा है 6x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कर दो 7x, कुछ भी कर सकते हैं 7x स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ 5x ना लेकर हम 6 ले लेंगे, क्या 6, क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ है, क्यों, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि दो की घात है समीकरण पे, दूसरी बात यहाँ पर b की जगह पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे 7x स्क्वायर प्लस जीरो गुणा एक्स प्लस 6 बराबर जीरो, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम तुलना करेंगे जब, तो हमारा ये समीकरण यही बैठेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी समीकरण से हो रहा है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। सी वाला पद भी क्या जीरो हो सकता है,
लेकिन जो ए वाला पद है वो जीरो के बराबर में नहीं हो सकता है। देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ए वाला पद जीरो है, मतलब ए वाला पद था ही नहीं, हमने जीरो मान लिया था। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण कब द्विघात होगा और कब नहीं होगा। अब इन प्रश्नों को हल करते हुए और इनके आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं। अब इसे दो का गुणा किया, दो एक्स स्क्वायर, दो तीन छः। यहाँ एक का गुणा किया एक्स माइनस तीन, यहाँ एक्स का गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब देखिए दो एक्स स्क्वायर माइनस के छः एक्स प्लस के एक्स कितने बचे, माइनस के फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस फाइव वही रहेंगे। अब देखिए एक्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर इस साइड फाइव में आ जाएंगे, माइनस में आ गए। ये माइनस के फाइव एक्स सेम टू सेम, प्लस के फाइव एक्स थे माइनस के फाइव एक्स हो गए, माइनस के थ्री बराबर जीरो। इसे सॉल्व किया दो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, पाँच एक्स और पाँच एक्स कितना हो जाएगा माइनस के दस एक्स, माइनस के तीन बराबर जीरो। देखिए इसकी तुलना की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखिए ए का मान कितना है एक। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, एक माना जाएगा। बी बराबर कितना, माइनस दस। सी बराबर कितना, तीन। क्या ए बराबर कितना है, एक है, ना कि ए बराबर जीरो नहीं है। ए बराबर जीरो नहीं है तो फिर देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हाँ यह द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा हो चुका है, इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। बहुत जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो हमारे पास बहुत अधिक सवाल हैं। देखिए ये क्या है, दो एक्स माइनस एक, एक्स माइनस तीन बराबर एक्स प्लस पाँच और एक्स माइनस एक। इसे हल कर, चलिए देखिए पहले एक्स का गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण में, तो दो एक्स हैं, एक्स का गुणा होगा दो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स हो जाएंगे। अब माइनस तीन का करेंगे तो माइनस तीन दूनी छः एक्स और माइनस माइनस प्लस के तीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के पाँच एक्स। अब माइनस एक का गुणा करेंगे माइनस एक्स माइनस के पाँच हो जाएंगे, ठीक है। दो एक्स स्क्वायर माइनस के छः एक्स माइनस के एक्स हो जाएंगे माइनस के सात एक्स, ये प्लस के तीन हो जाएंगे, प्लस के तीन तो पहले ही से हैं। अब देखिए यहाँ पाँच एक्स में से एक एक्स जाएंगे कितने बचेंगे, चार एक्स बचेंगे, माइनस के पाँच सेम टू सेम। अब इनका हम कर देंगे पक्षांतर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस पहुँचेगा, प्लस के चार एक्स है माइनस पहुँचेगा, माइनस का पाँच है साइड प्लस में पहुँचेगा। तो देखिए दो एक्स स्क्वायर में से ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर था माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, सात एक्स माइनस के सात एक्स और प्लस के चार एक्स हैं साइड माइनस के चार एक्स हो जाएंगे, प्लस के तीन और माइनस के पाँच तो यहाँ साइड प्लस के पाँच हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर में से सिर्फ एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर और सात चार ग्यारह एक्स, यहाँ पाँच तीन आठ बराबर जीरो। तो देखिए इससे तुलना करेंगे तो एक्स के गुणा में कितना है एक और बी कितना है, बी का मान है माइनस ग्यारह, सी का मान कितना है आठ। तो हाँ यह है क्या, एक द्विघात समीकरण है क्योंकि ए का मान यहाँ पर एक है, जीरो तो नहीं है। और इस प्रकार से हम लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है। इस पूरे समीकरण को देख लीजिए किस प्रकार से हल किया है, आप सॉल्व कर लेना। देखिए चलिए अब देखते हैं कौन सा छठवां प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व कर देखिए, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस के चार, एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस में इस साइड माइनस में आ जाएगा, तीन एक्स लिखे प्लस माइनस के चार एक्स इस साइड प्लस में चार आ जाएंगे, चार एक्स यहाँ प्लस के एक और प्लस का चार था वो माइनस में आ जाएगा। इसे सॉल्व किया तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, चार और तीन सात एक्स माइनस, देखिए प्लस का एक में से माइनस के चार गए माइनस के तीन बचे। इससे तुलना की तो देखिए यहाँ ए बराबर कितनी है, वैल्यू जीरो है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है जीरो है, बी एक्स प्लस सी की तो वैल्यू है लेकिन ए की वैल्यू क्या है जीरो है, यहाँ ए बराबर जीरो है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। पूरे समीकरण को देख लीजिए। चलिए देखते हैं अब प्रश्नावली चार दशमलव एक के प्रश्न नंबर पहले का कौन सा, ये वाला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो ये है यहाँ पर सूत्र लगेगा ए प्लस बी की घात तीन वाला सूत्र लगेगा, यहाँ पर ए प्लस बी की घात तीन वाला सूत्र लगेगा,
बाकी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, एक्स प्लस दो की घात तीन। तो देखिए ए प्लस बी की घात तीन का सूत्र क्या होता है, ए की घात तीन प्लस बी की घात तीन प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। तो देखिए ये सूत्र इसी पर लगाएंगे तो ए की घात तीन मतलब एक्स की घात तीन प्लस बी की घात तीन मतलब दो की घात तीन, दो दूनी चार दूनी आठ, फिर है तीन गुणा ए गुणा बी का स्क्वायर, तीन गुणा ए की जगह पर कितना है एक्स, थ्री एक्स गुणा बी का स्क्वायर मतलब दो दूनी चार, तीन चौके बारह एक्स हो जाएगा, फिर है थ्री ए स्क्वायर बी, तीन गुणा ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी मतलब गुणा दो, तो तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दो एक्स का अंदर गुणा कर दें, दो एक्स की घात तीन माइनस दो एक्स, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अब जो इस साइड प्लस में है, इस साइड माइनस में है और माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएंगे, तो इनका पक्षांतर किया जो हरे इसके से लिखे हैं, एक्स की घात तीन प्लस की दो एक्स की घात तीन थी ये माइनस में आ गए, आठ यहाँ पर हैं अभी, बारह एक्स प्लस माइनस के दो एक्स हैं इस साइड, प्लस के दो एक्स आ गए, फिर छः एक्स स्क्वायर प्लस आठ बराबर जीरो। ठीक है, एक्स की घात तीन में से दो एक्स की घात तीन कट गए तो कितने बचे, माइनस एक्स की घात तीन बचेगा, बारह दो चौदह एक्स, अब छः एक्स स्क्वायर प्लस आठ बराबर सेम टू सेम। अब इसे अच्छी तरीके से लिख लेंगे क्रमबद्ध, एक्स की घात तीन वाला पद, एक्स की घात दो वाला पद, फिर एक्स वाला पद और फिर ये सी वाला पद। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो देखिए द्विघात समीकरण हमारा इस टाइप में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, चूँकि ये इस रूप में नहीं है, ये इसमें घात तीन है, पहली बात तो ये, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये पहले प्रश्न का सातवां प्रश्न हो चुका है, अब बचा है आठवां प्रश्न। चलिए अब हम प्रश्न वाली 4.1 के पहले का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की घात तीन माइनस चार एक्स की घात दो माइनस एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस दो की होल घात तीन। देखिए इसे हल करें, देखिए ये जो एक्स माइनस दो की घात तीन है इसे भी निम्न सूत्र के अनुसार खोल लेंगे, तो ये बनेगा ये एक्स की घात तीन, देखिए बी की घात तीन मतलब कितना है, दो दूनी चार दूनी आठ, तो माइनस का दो का गुणा करेंगे तो दो आठ आएंगे माइनस के, फिर इसके अनुसार आएंगे बारह एक्स और इसके अनुसार आएंगे माइनस के छः एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस साइड का समीकरण सेम टू सेम। अब जो जितने भी हम पक्ष इस साइड से पद इस साइड लाए हैं उसे हमने हरे कलर में लिख दिया, तो देखिए ये प्लस के एक्स की घात तीन है इस साइड, माइनस के एक्स की घात तीन, यहाँ छः एक्स स्क्वायर माइनस के इस साइड प्लस के छः एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का एक्स इस साइड, बारह एक्स प्लस के इस साइड माइनस के बारह एक्स इस साइड, प्लस के वन माइनस के आठ थे उस साइड, इस साइड आएंगे तो प्लस के आठ हो जाएंगे, इसे सॉल्व किया एक्स की घात तीन से एक्स की घात तीन कट जाएगा, छः एक्स स्क्वायर में से चार एक्स जाएंगे कितने बचेंगे, दो एक्स स्क्वायर बचेंगे, बारह और एक तेरह एक्स, नौ आठ और एक नौ बराबर जीरो। तो देखिए ये इस रूप में आ रहा है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.1 का पहले का अंतिम क्वेश्चन भी हो चुका है। धन्यवाद।